योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, और इसे हम फ्रूट के फ्लेवर में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। कर्ड और योगर्ट देखने में एक जैसे होते हैं, इन्हें बनाने का तरीका भी एक जैसा है, लेकिन होते ये दोनों अलग अलग हैं। कर्ड को जमाने में एक लाइव कल्चर लगता है और योगर्ट को जमाने में दो लाइव कल्चर। आज हम बनाएंगे योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। योगर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध बॉईल करना होगा, तो हमने ये एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसे बर्तन में डाल देते हैं। गैस ऑन कर देंगे और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। हम दूध को बीच बीच में एक दो बार चला भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एकदम तेज़ हीट हो और हम सूखे बर्तन में दूध डाल दें तो वो नीचे से लग जाता है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उसको चला देना चाहिए या फिर बर्तन को पानी से पहले ही धो लेना चाहिए। दही जमाने के लिए हमें ऑर्गेनिक दही चाहिए होता है, उसी तरह से योगर्ट जमाने के लिए ऑर्गेनिक योगर्ट चाहिए होता है। तो घर का बना योगर्ट है तो हम उसी से योगर्ट जमा लेंगे। अगर घर पर योगर्ट नहीं है तो हम किसी भी फूड स्टोर से योगर्ट ले सकते हैं, या फिर बिग बास्केट या नेचर बास्केट, इनसे भी हम ऑनलाइन योगर्ट मंगा सकते हैं। अगर हम बाज़ार से योगर्ट खरीद रहे हैं तो वो फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए, प्लेन योगर्ट होना चाहिए, और उसके इंग्रेडिएंट में देख लें कि उस पर लाइव कल्चर जरूर लिखा हो, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। योगर्ट के लाइव कल्चर वाले पैक नहीं मिल पा रहे हैं तो इस तरह के लाइव कल्चर पाउच हैं, पाउडर फॉर्म में है इसके अंदर, और इसे आप एक बार योगर्ट जमा लें, योगर्ट बन गया है, फिर आप कितना ही योगर्ट बनाइए तो ये आप ऑनलाइन अमेजन वगैरह से ले सकते हैं। दूध में उबाल आने लगा है, हम गैस को धीमा कर लेंगे और धीमी गैस पर इसे हम 5 मिनट और उबलने देंगे ताकि हमारा दूध थोड़ा सा थिक हो जाता है और उस दूध से फिर योगर्ट भी थिक बनता है। दूध को हमने 5 मिनट और उबाल लिया, अब हम इसे जमाने के लिए बर्तन में डाल देते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसे अच्छे तरीके से ढका जा सके। और इसे हम लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने देंगे। इसे हमें ठंडा करना है, इतना ठंडा करना है जैसे कि हम प्याले को हाथ से उठाएं तो वो गर्म लगे, लेकिन ऐसा ना लगे कि हम उसे छू नहीं पा रहे हैं, या फिर दूध में थोड़ा उंगली डाल के देख लें, हमारी उंगली उसके टेम्परेचर को सहन कर ले, हल्का गर्म दूध रह जाए तब हम इसे जमाएंगे। तो इंतज़ार करते हैं दूध के कम गर्म होने तक। दूध कम गर्म रह गया है, इस तरीके से हम छू के देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं हमारी उंगली अच्छी तरह से इस टेम्परेचर को सहन कर पा रही है। तो अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे जमने के लिए। तो ये हमारे घर का बना हुआ योगर्ट है, ये 1 लीटर दूध है, इसमें हम 2 टेबल स्पून योगर्ट डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसमें से हम 2-3 चम्मच दूध डाल देंगे और इसको मिला देंगे। और अब ये योगर्ट हम इसमें डाल देंगे। और मिक्स कर देंगे, कवर कर देते हैं। योगर्ट जमने के लिए तैयार है, तो इसे किसी भी गर्म जगह पर रख दीजिएगा। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, ये 5-6 घंटे में जमकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सर्दी का मौसम है तब आपको इसे गर्म जगह पर रखना होगा। अगर ओवन में 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्माहट मिल जाती है तो आप ओवन को सेट करके और ये बर्तन को ओवन में रख दें, 5-6 घंटे में योगर्ट जम जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई टावल ले लें इसको गर्मी पहुंचाने के लिए, इस टावल में आप इस बर्तन को लपेट दें। और योगर्ट को जल्दी जमाना है तो इस तरह का इलेक्ट्रिक सिकाई करने वाला जो प्लो होता है वो इसके ऊपर रख दें, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गर्म होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम लेता है, गर्म हो जाता है एक बार तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। इसे आप लपेट दें और इलेक्ट्रिसिटी लगा दें, 3 से 4 घंटे में ही योगर्ट जमकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर की जुगाड़ हो गई। एक बात और ध्यान रखनी है कि इसे हिलाना डुलाना नहीं है, इसे अरेंज करके रख दीजिए और 5-6 घंटे में योगर्ट जमकर तैयार हो जाएगा।
तो ये सर्दी के मौसम में हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो मिलते हैं हम 5-6 घंटे के बाद। 6 घंटे हो चुके हैं और योगर्ट जमकर तैयार है। देखते हैं कैसा बना है, काट कर देख लेते हैं। तो ये है योगर्ट। योगर्ट और ग्रीक योगर्ट में क्या फ़र्क होता है? इस योगर्ट से वे वाटर हटा दिया जाए और थिक कर लिया जाए तो ग्रीक योगर्ट बच जाता है। तो ग्रीक योगर्ट बनाते हैं हम। ये हमने छलनी ले ली, प्याला रख लिया और कोई भी सूती मलमल का कपड़ा रख लेंगे, उसे इस छलनी पर बिछा लेंगे और इसमें हम ये योगर्ट डाल देंगे। इसको इस तरीके से लपेट के रख देते हैं, लगभग आधा पौना घंटा इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए वे वाटर निकलना शुरू हो गया, तो थोड़ी देर में ये वे वाटर पूरा निकल जाएगा और ठीक ग्रीक योगर्ट हमें कपड़े के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आधा घंटे के बाद। आधा पौना घंटा हो गया है और हमारा ग्रीक योगर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। ये कितना अच्छा और एकदम ठीक होकर तैयार हुआ है। तो अब हम अपने ग्रीक योगर्ट को कंटेनर में भरकर रख लेते हैं। कंटेनर को गर्म पानी से धुला हुआ और साफ कपड़े से पोछा हुआ एकदम क्लीन होना चाहिए। ये वे वाटर है, इसमें काफ़ी मात्रा में सोडियम और कैल्शियम होता है। इसे भी आप फेंकें नहीं, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उन्हें आप दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। तो बिना कुछ मिलाए योगर्ट को हम खा सकते हैं। फीका योगर्ट बहुत टेस्टी लगता है और इसे हम फ्रूट के फ्लेवर में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। योगर्ट को हम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी फ्रूट के फ्लेवर में बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा योगर्ट ले लेंगे और जैसे हमें मैंगो के फ्लेवर में इसे बनाना है तो ये हमने फ्रोजन मैंगो का पल्प ले लिया है। थोड़ा सा इसमें पल्प डाल देंगे, 2-3 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें शुगर पहले से ही है, मैंगो भी मीठा होता है, इसे हम मिला देंगे। तो ये हमारा मैंगो के फ्लेवर में योगर्ट बनकर तैयार हो गया। अब बनाएंगे हम इसे जामुन के फ्लेवर में। इसमें हम थोड़े से ये फ्रेश कटे हुए जामुन डाल देंगे और थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच शहद डाल देंगे, जिससे कि इसमें मिठास आ जाए। जब भी हम फ्रेश फ्रूट यूज करेंगे उसमें थोड़ी सी शुगर या शहद डाल देंगे। ये हमारा जामुन के फ्लेवर में योगर्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसे पाइनएप्पल के फ्लेवर में। ये हमने ले लिया है फ्रोजन पाइनएप्पल। थोड़ा सा 2-3 चम्मच पाइनएप्पल डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी योगर्ट बनता है। मिक्स कर देंगे, ये हमारा पाइनएप्पल का योगर्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट जैम के फ्लेवर में। ये हमने मिक्स फ्रूट जैम ले लिया है, ये भी घर पर बनाया हुआ ही जैम है, बहुत ही टेस्टी जैम है ये। तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच जैम डालेंगे और मिक्स कर देंगे, ये हमारा जैम के फ्लेवर में योगर्ट बनकर तैयार हो गया। बिना किसी फ्लेवर के ग्रीक योगर्ट और अलग अलग फलों के फ्लेवर में बना हुआ ग्रीक योगर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपको जैसे भी पसंद हो इसे खाइए, बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।